और दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आए हैं, ठीक है जी, पूरे बागपत में ऐसा मकान नहीं है, बहुत ही शानदार मकान बनाया है। ये देख लो कितना बेहतरीन मकान है। इस मकान को बनने में 10 साल से भी ज़्यादा का टाइम लगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहिए भाइयों। ये देख लो कितना शानदार मकान है, ठीक है। इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहिए। पूरे बागपत में ऐसा मकान नहीं है, पूरे ज़िले में ऐसा मकान नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा मकान दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है, क्योंकि किसानों की वीडियो और मकानों की वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना नाम बताओ जी। मेरा नाम योगेश गुर्जर। अच्छा योगेश जी, आप पिताजी का नाम? वेदराम। वेदराम जी, आपके पिताजी कितने भाई हैं? हमारे पिताजी अकेले थे, अपने पिताजी के अकेले ही थे। हम चार भाई हैं। आप चार भाई हो? अच्छा, ये जो इतना शानदार मकान आपने बनाया है, ये किसकी बदौलत है? खेती, बस खेती में मेहनत की हम लोगों ने। अच्छा अच्छा, हमने खेती मेहनत किया। पहले पिताजी भी हमारे दूध का व्यवसाय करते थे। अच्छा अच्छा, दूध का व्यवसाय ऐसे भी रखते थे। अच्छा, उसी से हम लोगों को पढ़ाया लिखाया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद भाई हैं, भाइयों ने जॉब की, जॉब के बाद उन्होंने खुद अपनी कंपनी खड़ी की। अच्छा, पिताजी पर जमीन कितनी थी? पिताजी पर हमारे पास 50 बीघा जमीन थी। अच्छा, अभी? अभी हमारे पास लमसम 100 बीघा करीब जमीन, 50 बीघा बढ़ाई। अच्छा, बिजनेस वगैरह भी करते हैं आप? चार भाई हैं, क्या क्या करते हैं बता सकते हैं आप? बिजनेस हमारा सबका एक ही है। अच्छा, सभी इकट्ठे रहते हैं? सब चारों भाई हम इकट्ठा रहते हैं। अरे बहुत बढ़िया जी। हमारा नोएडा में घर है वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुछ भाई, दो भाई हमारे वहाँ पे रहते हैं, दो भाई हम बड़े बड़े यहाँ भी देखते हैं और वहाँ भी देखते हैं। अच्छा, चारों भाई इकट्ठे रहते हो? चारों की शादी हो गई? चारों की शादी हो गई है। अच्छा, टोटल परिवार में कितने सदस्य हैं? टोटल करीब 22 मेंबर हैं। 22 मेंबर सब यहीं रहते हैं? ये देख लो किसान भाई, और वहाँ भी रहते हैं। अच्छा, मतलब नोएडा भी रहते हैं? है तो कम्बाइंड फैमिली ना, सब कम्बाइंड रहते हैं, ठीक है। 22 आदमियों का परिवार है इस मकान में। ये कितने एरिया में है सर, मकान कितने एरिया में है? ये 3.5 बीघा में। 3.5 बीघा में बनाया हुआ है। कितना टाइम हो गया इस मकान को? ये 2016 में काम शुरू हुआ था इसमें। हाँ, और अभी भी बंद नहीं हुआ काम इसमें से? अभी कभी कंप्लीट की तरफ है। अच्छा, 16, 4, 22 मतलब 5 साल हो गए। हाँ, ठीक है जी। ये देख लो भाइयों कितना बेहतरीन मकान बनाया है। चलिए हम अभी आपको मकान घुमाते हैं। चलिए सर, अपना मकान दिखाइए हमें। ये देख लो भाइयों, ये इधर आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन मकान बनाया है सर ने, ठीक है। ये देख लो। अच्छा, ये आर्किटेक्चर की मदद ली थी? हाँ, पूरा काम आर्किटेक्ट ने कराया इसमें। अच्छा, हमें आप ये बताओ, ये दिमाग में आइडिया किसका था कि इतना पैसा मकान में लगाया जाए? नहीं तो लोगों की सोच क्या है सर, शहर में जाओ, शहर में चले जाओ, इतना पैसा गांव में नहीं लगाना। तो ये आइडिया किसका था? गांव में मानना ये है कि हमारी पहचान जो होती है वो अपने गांव से होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। शहर में हम कुछ भी करें, करना चाहिए, शहर में भी रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई लिखाई करें हम लोग। हाँ, है ना, उसके हिसाब से ही रहें। अपनी जड़ें गाँव में होनी चाहिए, क्योंकि इंसान की जो पहचान है वो गांव से होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, गांव में हमारे बुजुर्ग रहते हैं, बड़े बड़े बुढ़ों का जो मेहनत की है उन्होंने, उसका आशीर्वाद होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर वो वहाँ से हम तहस नहस करते हैं तो मुझे नहीं लगता है लोग बाहर भी तरक्की करते। बहुत बढ़िया जी। तो आइडिया पिताजी का था? हाँ, पिताजी का। चारों भाइयों का? चारों भाइयों का भी, पिताजी का भी। अच्छा अच्छा, खेती कौन करता है यहाँ पे अभी? खेती हमारे पिताजी भी देखते हैं, हम भी उनकी हेल्प करते हैं। सब हेल्प करते, खड़े होकर खेती करते हैं अपने आप। हाँ, सही है, किसानी का काम है अपने, यही कल्चर है अपना। बिल्कुल। चलिए जी, चलिए मकान देखते हैं। ये देख लो भाइयों, इतना बेहतरीन मकान है। गांव में तो क्या, पूरे इलाके में, बागपत शहर से 3 किलोमीटर है, पूरे इलाके में इतना बढ़िया मकान नहीं है, ठीक है। क्योंकि गांव में लोग बाग पैसे लगाने से पता नहीं क्यों कतराते हैं। देख लो कितना बेहतरीन मकान है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गए हम, यहाँ देख लो। योगेश जी, आर्किटेक्चर का नाम बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, उनको अच्छा लगेगा। मकान बहुत ही शानदार बनाया। गौरव सक्सेना। गौरव सक्सेना कहाँ के थे? दिल्ली के हैं। दिल्ली के हैं। गौरव सक्सेना जी का ये डिज़ाइन है, देख लो कितना बेहतरीन मकान है। हम आपको दिखाएंगे इसको, ये देख लो। और जैसा कि हम आपको हर वीडियो में दिखाते हैं, किसानों के घर कहीं भी जाना, आपको खाट मोड़े चारपाई मिलेंगी, ये देख लो, ठीक है। किसान कितना बड़ा हो जाए, किसान ही रहता है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। ये देख लो सर, इसमें कमरे कितने होंगे? इसमें नीचे की तरफ 3 बेडरूम है। अच्छा अच्छा, एक ड्राइंग रूम है। अच्छा, चलिए हमें दिखाइए एक एक करके। इधर से आ जाइए आप। चलिए उधर से देखते हैं, पहले बैठक देखते हैं, ठीक है जी। ये देख लो जी, गजब मकान भाइयों, ये देख लो, ये मेहमानों के लिए बैठक बनाई है। ये ड्राइंग रूम है जी, अभी थोड़ा इनकम्प्लीट है, काम चल रहा है। अभी परसों शादी थी, आप बता रहे थे हमें, शादी थी। हाँ, ठीक है जी, चलिए। ये देख लो, थोड़ा अभी इनकम्प्लीट है, पर बहुत ही बेहतरीन बनाया है भाई, ये देख लो। और ये पंखे हैं,
बिल्कुल रॉयल लुक आ रहा है इन पंखों से, आप देख सकते हैं। और नीचे मार्बल लगा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन घर, ठीक है। इकट्ठा रहने का ये फ़ायदा होता है भाइयों, मैंने आपको पहली वीडियो में अभी जितनी वीडियो बनाई है उसमें ये बोलता हूँ, सब इकट्ठे रहोगे तो एक जगह पैसा लगाओगे। अगर ये अलग अलग हो जाते तो ये मकान अलग अलग बनता, अच्छा नहीं लगता, ठीक है जी। कंबाइंड फैमिली का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, देख लो ये इनका रूम है, ये बेडरूम है, हाँ ये बेडरूम है। अभी काम चल रहा है क्योंकि बढ़िया मकान बनाने में कम से कम 5-6 साल का टाइम तो लग ही जाता है, ठीक है जी। ये देख लो, और कमरे कितने बताए हो गए जी टोटल मिला के इसमें? इसमें 26 कमरे हैं। 26 जी, 26 कमरे हैं, हाँ ऊपर नीचे लगा है, 26 कमरे हैं भाइयों इसमें पूरे, ठीक है। चलिए ऊपर चलते हैं, ये देख लो ऊपर से हम आपको पूरा गांव भी दिखाएंगे। अच्छा बात कर रहे होगे जी इस गांव की, इसमें कौन कौन सी बिरादरी रहती है और कितनी वोटिंग है इसकी? इसमें हमारे यहाँ करीब 2800 वोटिंग है। अच्छा, और जी बिरादरी गुज्जर, गुज्जर बाहुल है गांव में वैसे तो, लेकिन इसमें सहरीजन भी हैं। अच्छा अच्छा, प्रजापति भी हैं। अच्छा अच्छा, और बढ़ई भी हैं। अच्छा, और कुछ बताइए अपने गांव की हिस्ट्री कुछ। गांव की हिस्ट्री हमारा राजनीति के गांव रहा है। अच्छा अच्छा, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की है। अच्छा अच्छा, हमारा एक गोत्र, इस गोत्र का गाँव हमारा अकेला ही है यहाँ पे, आस पास सारे ज्यादातर बैसले और दूसरे लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है ठीक है। बैसला गोत्र है, बैसले हैं कुछ और है, मतलब हमारा गांव अकेले गोत्र है हमारा। अच्छा, क्या गोत्र है ये? खेपड़ गोत्र है। खेपड़ गोत है, अच्छा जी अच्छा जी, चलिए बहुत बढ़िया जी। ये देख लो भाइयों हम आ गए, हम बोल ऊपर चलेंगे। अनन्या हटो तो, ये देख लो जी ये इनका सेकेंड फ्लोर, यहाँ फैमिली रहती है। ये तो हम नहीं दिखाएंगे आपको क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी भी रखनी पड़ती है। ये आपको मैं फ्रंट दिखा देता हूँ यहाँ से, ये देख लो भाइयों, ये देख लो बहुत ही बेहतरीन मकान है भाई। और ये देख लो आप, ये यहाँ पर एरिया कितना अच्छा है, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं इधर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। कितना बढ़िया, ये जो आप देख रहे हो वुडवर्क जैसा लग रहा है, ये सबसे बेहतरीन लग रहा है। और ये जो इसके पिलर खड़े हैं, इस मकान की जान है पिलर, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये देख लो कितना बेहतरीन मकान है भाई, ठीक है। और यहाँ से ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देता है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और ये छोटू है, ठीक है जी। चलिए ऊपर चलते हैं, इसको बीच को रहने दो, थोड़ी सी प्राइवेसी भी चाहिए ना, चलिए बीच में फैमिली रहती है, थोड़ा प्राइवेसी के लिए दोस्तों हम बीच में नहीं दिखाएंगे, ठीक है ऊपर चलते हैं, ठीक है। अच्छा नजापत्ती कुछ ज़्यादा सही है, संपन्न गांव है, मुझे संपन्न ही गांव लग रहा है, पूरा संपन्न है सब। अच्छा अच्छा, सब लोग अच्छे से खाते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए जी बहुत बढ़िया। ये देख लो, ये देख लो भाइयों, ये आ गए हम इधर, ये माता जी हमारी, ये माता जी हैं, नमस्ते, ठीक है। ये भाई हैं, ये बच्चे हैं सब, अच्छा ठीक है। ये पूजा घर है हमारा, ये पूजा घर ये है, यहाँ भी माता जी रहती हैं हमारे। अच्छा 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 अच्छा, देख लो भाई, ये बुआ जी हैं हमारी, ये मौसी जी हैं। अच्छा अच्छा, शादी थी तो सब आए हुए हैं, ठीक है। चलिए जी, यहाँ लिखा हुआ है यदि तुम भगवान का ध्यान करोगे तो वह आपका ध्यान रखेगा, ठीक है जी। चलिए, और जमीन ये पीछे जमीन अपनी है क्या? ये कली चल रही है यहाँ पर। अच्छा जी, ये देख लो जी, ये हाँ ये देख लो जी, ये साइड से ऐसा लगता है, देख सकते हैं आप, बेहतरीन मकान है भाई, आप देख सकते हैं डेयरी है भैंसों की। अच्छा, कहाँ है डेयरी, कहाँ है वो डेयरी? इधर पीछे से उधर, हाँ यही। अच्छा ये डेयरी है, हाँ। चलो इसको भी दिखाएंगे, चलेंगे, ये देख लो, ठीक भाई ये देख लो आप देख सकते हैं। और इनकी एक डेयरी भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। और पीछे इनकी ज़मीन है, ठीक है जी। गजब मकान है भाइयों, बेहतरीन, ये देख लो आप, मैंने आपको सारा मकान दिखा दिया, ठीक है जी। और ये देख लो गुज्जर भाई का मकान है, पूरे इलाके में ऐसा मकान नहीं है, गांव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बागपत में भी नहीं है। इधर से आप देख सकते हैं, और ये देख लो ये इनकी भैंसे वगैरह बंधी हुई हैं।
ठीक है, देख सकते हैं आप। ऊपर तो कुछ होगा नहीं है, ऊपर चलिए ऊपर चलते हैं एक बार। ऊपर चल रहे फिर हम आपको ले जाते हैं सबसे ऊपर, तो यहाँ वहाँ से दिखाएंगे पूरा गांव। यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, ये आधा गांव तो इधर से दिख जाता है। ये हमारे परिवार का मकान है। ये आपके परिवार का ही है, ठीक है। सबसे ऊपर ये जमीन है यहाँ पर सारी, एक ही जगह खेती है? दो जगह पे, एक वो सामने 12 दिख रही है हमारी इधर है। अच्छा अच्छा, एक वो बाउंड्री हो रही है हमारी, बाउंड्री चल रही है वहाँ। अच्छा, काम चल रहा है। अच्छा, वहाँ पे ठीक है ठीक है। चलिए जी, ये पूरा गांव है जी इनका, आप देख सकते हैं। अच्छा, मतलब पिताजी पहले से डेयरी का काम करते हैं? हाँ, दूध का काम करते थे। दूध अच्छा, का अच्छा, गाय हैं कि भैंस हैं? भैंसे भी हैं, गाय भी हैं। अच्छा अच्छा, अभी खाली दूध पीने के लिए रखे हुए हैं 100 के घर पे। अच्छा अच्छा, अपने कहा। चलिए अच्छा सर, अब हमें अंत में आप ये बताइए, जो किसानों का है कैसे कामयाब हो युवा, जो मतलब गांव छोड़ के ना जाए, जैसे आपने किया, आप चाहते तो पैसे की कोई कमी नहीं है, नोएडा में देख हम देख भाग रहे, शहर बागपत भी चले जाते, गांव में ही आपने बनाया, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरा मानना ये है जी, खेत में किसान भी तब तक कामयाब नहीं है जब तक उसको बाहर की कुछ आमदनी नहीं है। हाँ। हम ये कहना चाहते हैं कि भैया गांव में जितनी खेती है उसको भी मेंटेन करो, प्लस कुछ बाहर से भी आमदनी का कुछ स्रोत होना चाहिए, साथ के साथ अपने बच्चों पे फैमिली को हमें शिक्षा की तरफ लेके जाना चाहिए जी, क्योंकि बगैर शिक्षा के ना कुछ नहीं है, काम कर पाएंगे ना, हम खेती अच्छे से कर पाएंगे ना हम कोई बिजनेस कर पाएंगे। बिजनेस भी हम अगर हम कहीं जाके जॉब भी करेंगे तो कम से कम उससे जॉब करने से हमें सीखने को मिलेगा, हम अपना भी कारोबार कर सकते हैं उसके साथ साथ। अच्छा, दूसरा है नशा पत्ती आजकल बहुत बढ़ रही है, आपको पता होगा गांव में। हाँ, नशा पत्ती बढ़ रही तो है, तो उससे आपने आपके पिताजी ने आपको कैसे बचाया और आप कैसे बच रहे? हमें दरअसल हम इस तरह की संगति में कभी बैठे नहीं। संगत का असर बहुत पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, हम कभी भी ऐसे लोगों में नहीं बैठे जहाँ बहुत ज्यादा नशा पत्ता हो। हमें शौक रहा पहलवानी का, कुश्ती का, स्पोर्ट का शौक रहा शुरू से ही। पिताजी हमारे अकेले थे तो हमें अच्छा खाने पीने का ध्यान रखते थे, और पिताजी ने कभी फ्री रहने भी नहीं दिया, अपने काम पे ध्यान रखा जी। बहुत बढ़िया जी, और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बस अभी देख लो आप उधर डेयरी है हमारी। अच्छा चलिए, डेयरी देखते हैं। चलिए किसान भाइयों, अंत में हम आपको इनकी डेयरी दिखा देते हैं। अच्छा, दूध घर का ही पीना है, अब चल गया है? बिल्कुल, घर दूध घर का ही पीना चाहिए, मैं कहता हूँ सबको एक भैंस रखनी चाहिए कम से कम। अच्छा हाँ, मतलब उसे उठेंगे जी जी, थोड़ा वर्क करेंगे, पसीना भी आएगा, शरीर ठीक रहेगा, ताज़ा दूध मिलेगा, अच्छा दूध मिलेगा जी जी। ये देख लो भाइयों, ये इनके भी यहाँ पर डेयरी है, भैंसे हैं, ठीक है। ये देख लो साफ सफाई, देखो आप, ये देख लो लाइन से, देख लो बिल्कुल साफ सफाई, देखो कितना ध्यान रखा है इन्होंने साफ सफाई का, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी हरियाणा से लाई हुई भैंसे हैं। अच्छा, सब हरियाणा से लाए थे? सब अच्छी, सबका दूध घर में काम आ जाता है? सब घर में होता है। हाँ, कुछ नौकर के काम आ जाता है, कुछ अपना है, भाई 22-25-30 आदमी भी हैं, कुछ नौकर हैं, कुछ घर में हैं। बिल्कुल ठीक है जी, ये देख लो भाइयों, ठीक है। अच्छा, अपने पास ट्रैक्टर कितने हैं? ट्रैक्टर तो अभी खेतों में जा रहे होंगे काम है। दो ट्रैक्टर, एक आइसर और एक सोनाली का। होलैंड, एक होलैंड है। अच्छा अच्छा ठीक है जी, बहुत बढ़िया। देख लो, ये दूसरा गेट है इनके मकान का, ठीक है जी। और यहाँ पर गोडाउन है। ये जमीन, ये जमीन आपने खरीदी थी या अपनी खुद की है? इसमें करीब 1.5 बीघा करीब जमीन हमारे पास थी। अच्छा अच्छा, उसके बाद ही अगली वाली जमीन हमने मोल खरीदी। आपने खरीदी है, चलिए बहुत बढ़िया जी। ये देख लो भाइयों, एक बार और दिखा देता हूँ आपको यहाँ से कितना गजब मकान है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलता हूँ ऐसी किसानों से संबंधित अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें, धन्यवाद।